नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में दूसरे चरण के तहत धान की खरीदी शुरू। बिहार में बिजली हो सकती है महंगी। दिसंबर से फरवरी तक बिहार की 12 ट्रेनें रहेंगी रद्द। देश के सबसे प्रदूषित 12 शहरों में 8 बिहार के। के श्रीकांत ने कहा, टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या को ही करनी चाहिए। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में दूसरे चरण के तहत धान की खरीदी शुरू। मंगलवार यानी आज से राज्य में दूसरे चरण के तहत धान की खरीदी शुरू हो गई है। बता दें कि सहकारिता विभाग की ओर से दक्षिण बिहार में धान की खरीद के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं 1 नवंबर से उत्तर बिहार के हिस्से में धान की खरीद शुरू हो चुकी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे चरण के तहत धान बेचने के लिए कुल 4,62,039 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें रैयत की संख्या 1,70,781 है तथा गैर रैयत की संख्या 2,35,458 है। बताते चले कि खरीफ विपणन वर्ष 2022 से 23 में कुल 45 लाख धान की खरीद की जाएगी, जिसमें साधारण धान की कीमत 2,040 रुपए और ए ग्रेड के धान की कीमत 2,060 रुपए प्रति क्विंटल MSP निर्धारित की गई है। दिसंबर से फरवरी तक बिहार के 12 ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे के द्वारा कोहरे को लेकर पूर्व मध्य रेल ने 12 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें 1 दिसंबर 2022 से 28 फरवरी 2023 तक रद्द रहेंगी। इसके साथ ही 6 ट्रेनों को आंशिक रूप से व 6 ट्रेनों के परिचालन के दिनों में कमी की गई है। वहीं कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनकी टाइमिंग को बदला गया है, तो वहीं कई ऐसी ट्रेनें हैं जो रद्द हुई हैं। जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनकी गाड़ी संख्या 1,2,5,6,1,2,5,6,2,1,3,2,5,7,1,3,2,5,8,1,1,1,2,3,1,1,1,2,4 ये होंगी। देश के सबसे प्रदूषित 12 शहरों में 8 बिहार के। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा निकाले गए AQI आंकड़े के अनुसार देश के सबसे 12 प्रदूषित शहरों में 8 बिहार के हैं। बता दें कि बिहार के इन 8 जिलों में AQI लेवल 300 से अधिक पाया गया है। इन 8 जिलों में सिवान है, जिसका AQI 398 है। इसके साथ ही कटिहार 399 AQI, दरभंगा 360 AQI, समस्तीपुर 337 AQI, छपरा 335 AQI, बेतिया 326 AQI, भागलपुर 308 AQI और पटना में 303 AQI है। बताते चले कि इन सभी जिलों में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा PM 2.5 और PAM 10 मानक से लगभग 5 गुना अधिक आंका गया है। मिली जानकारी के अनुसार पटना के वातावरण और धरातल पर आर्द्रता की कमी आई है। इसके कारण वायुमंडल के निचले स्तर पर धूलकण में वृद्धि हुई, इससे प्रदूषण बढ़ा है। सीएम नीतीश का निर्देश, शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में कई फरियादी ऐसे आए जिन्होंने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की शिकायत की, जिसे सुनकर नीतीश कुमार चौंक गए और तुरंत शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसकी जांच की जाए और उन शिक्षकों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि नीतीश कुमार ने ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं जो अपनी ड्यूटी से गायब रहते हैं, और वैसे शिक्षक जो छात्रों को समय से पहले ही स्कूल से घर वापस भेज देते हैं। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने मीटिंग में कई बार कहा है कि वैसे शिक्षकों पर एक्शन लिया जाए जो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं और समय से स्कूल नहीं जाते। प्रवासी पक्षियों से गुलजार हुआ राजधानी का जलाशय। ठंड बढ़ने के साथ ही बिहार की राजधानी पटना का राजधानी जलाशय में एक बार फिर प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। बता दें कि विदेशी पक्षियों के आने के बाद यह राजधानी जलाशय आकर्षण का केंद्र बन गया है। जानकारी के लिए बता दें कि यहां हर साल ठंड के मौसम में हजारों की संख्या में साइबेरियन पक्षियां पहुंच जाती है। बिहार के विभिन्न स्कूलों से स्कूली बच्चे यहां इन विदेशी पक्षियों को देखने और उनके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आ रहे हैं। वहीं पटना वन प्रमंडल की ओर से विशेष तैयारी की गई है ताकि इस जलाशय में पक्षियों को सुगमता से ठहराव हो सके। ये सभी पक्षियां लगभग 3,000 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर इस जलाशय में पहुंचती हैं। कुढ़नी से बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता करेंगे नामांकन। कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन आज केदार गुप्ता नामांकन के लिए जाएंगे। हालांकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बताया गया है कि कुछ तकनीकी बातों की वजह से उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। बता दें कि नामांकन के दौरान विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। बताते चले कि केदारनाथ गुप्ता 2015 में जेडीयू से प्रत्याशी रहे मनोज कुशवाहा को हराकर विधायक बने थे। वहीं
2020 में केदारनाथ गुप्ता मात्र 720 वोटों से आरजेडी प्रत्याशी अनिल साहनी से पराजित हुए थे। 16 नवंबर को सीएम नीतीश देंगे 10,459 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र। 16 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,459 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे। इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। बता दें कि जिन पुलिस वालों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वे सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी वर्ष 2019 में बहाल किए गए थे, जो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार 8,246 नए सिपाही एवं 2,213 नए अवर निरीक्षक को नियुक्ति पत्र देंगे और वे सभी पुलिस अपनी वर्किंग यूनिफॉर्म में नियुक्ति पत्र ग्रहण करेंगे। बिहार में बिजली हो सकती है महंगी। बिहार में आने वाले साल से बिजली की दरों में 40% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बता दें कि इसके लिए आज यानी मंगलवार को बिजली कंपनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समस्त प्रस्ताव को लेकर याचिका सौंपी जाएगी। हालांकि आयोग जन सुनवाई के बाद ही बिजली की नई दर तय करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बिजली कंपनी की ओर से दिए गए प्रस्ताव में घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बने स्लैब की संख्या 3 से घटाकर 2 करने की बात कही गई है। बिजली कंपनियों ने रेट में होने वाले बदलाव को लेकर कहा है कि इसके पीछे का कारण विदेशी कोयले की बढ़ती कीमत है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनियों को 11% का लॉस हुआ है। कुढ़नी में अति पिछड़ों को उम्मीदवार न बनाने से सहनी आहत। कुढ़नी में अति पिछड़े को उम्मीदवार न बनाने से सहनी आहत हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अत्यंत पिछड़ा प्रेम को लेकर उन पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं। वे देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्हें कुढ़नी में जदयू के लिए एक अदद अति पिछड़ा नेता नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में अति पिछड़ों को अधिकार छीन लिया गया है। मुझसे किसी ने अति पिछड़ा उम्मीदवार के बारे में पूछा ही नहीं। अगर वे पूछते तो मैं किसी अति पिछड़े उम्मीदवार के नाम की सिफारिश जरूर करता। वहीं वे तेजस्वी यादव के कहने पर वे कुढ़नी में जदयू उम्मीदवार के पक्ष में भी प्रचार करने को तैयार है, लेकिन गैर अति पिछड़ा को उम्मीदवार बनाने से अति पिछड़ा समाज आहत है। बिहार में नए पदों का सृजन कर दी जाएगी नौकरी। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल संसाधन विभाग के 1006 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान घोषणा की है कि अब राज्य के सभी विभागों में आवश्यकता अनुसार बड़ी संख्या में नए पदों का सृजन किया जाएगा और उस पर बहाली की जाएगी। इसके लिए उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने बिहार में कई उच्च शिक्षा संस्थान खोले हैं और आगे भी खोलते रहेंगे। ऐसे में जब छात्र वहां से उत्तीर्ण होंगे तो उन्हें रोजगार कैसे मिलेंगे अगर हम बहाली में तेजी नहीं लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फरवरी माह में जल संसाधन विभाग में कुल 320 पदों पर नियुक्ति करवाई गई थी और अभी फिलहाल 2000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां चल रही हैं। पटना में गंगा नदी में उतरेंगे हवाई जहाज। बीते दिन नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण करने के दौरान कहा कि बिहार की सड़कों की वजह से संपन्न बनेगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम 40,000 करोड़ रुपए से वाराणसी कोलकाता कॉरिडोर बना रहे हैं। वहीं बिहार में भी 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिसका निर्माण कार्य अगले साल के सितंबर तक शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि उनकी इच्छा है कि वे पटना के गंगा नदी में हवाई जहाज उतारे। इसके लिए 1,000 विमान भी खरीदे जाएंगे। इससे बिहार के टूरिज्म में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार को 1,10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस पैसे को बिहार सरकार बिहार को चमकाने में खर्च करे। किडनी डोनेट से पहले रोहिणी ने बताया पति का रिएक्शन। बीते दिन रोहिणी आचार्य ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए किडनी डोनेट को लेकर बातें कही। उन्होंने इस बातचीत के दौरान बताया कि किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने अपने पति समरेश सिंह को कैसे मनाया। रोहिणी आचार्य ने बताया कि उनके हस्बैंड ने पहले दिन से ही उन्हें सपोर्ट किया है। यहां तक कि जब डॉक्टर ने बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र तरीका है, उस समय उनके साथ साथ उनके पति ने भी टेस्ट करवाया था। हालांकि रोहिणी के पति को हार्ट प्रॉब्लम है, जिस वजह से वह किडनी नहीं दे सकते हैं। वहीं रोहिणी लालू यादव को किडनी इसलिए दे रही है क्योंकि उनकी किडनी का ही मैच सबसे अच्छा था। बिहार के सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों की मान्यता पर खतरा। बिहार के बेगूसराय में बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद अब शिक्षकों की कमी के कारण पटना राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में स्नातक और पढ़ा स्नातक की सीटें कम होने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यदि सरकार दिसंबर तक शिक्षकों की नियुक्ति कर लेती है तो मान्यता वापस प्राप्त करने के साथ साथ सीटें कम होने से रोका जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार जांच में यह पाया गया है कि यूजी के 4 विभागों में कुल 7 और पीजी के 10 विभागों में कुल 13 फैकल्टी के पद रिक्त है। बताते चले कि राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना 14 विषयों में पढ़ा स्नातक की पढ़ाई कराने वाला देश का पहला संस्थान है। के श्रीकांत ने कहा टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या को ही करनी चाहिए।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया को सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेटों से हरा दिया था, जिसके बाद यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी कौन करेंगे, जिस पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर के श्रीकांत ने कहा है कि वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेली जाने वाली टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की कप्तानी हार्दिक पांड्या को ही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं चयन समिति का अध्यक्ष होता तो मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या को 2024 विश्व कप का कप्तान होना चाहिए। सीधे तौर पर मैं इसे ऐसे ही रखूंगा नंबर एक, और आज से ही एक टीम का पुनर्निर्माण शुरू करें जो कि न्यूजीलैंड श्रृंखला से है, जो एक सप्ताह में होने वाली है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी मंगलवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद पटना में पेट्रोल 107.22 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर से बिक रहे हैं। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.916 और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किए गए हैं। वहीं भागलपुर में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए है। दरभंगा में पेट्रोल 107.92 और डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर से बिक रहे हैं। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर से निर्धारित की गई है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुतुल रंगीला, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, मृत्युंजय कुमार, रविशंकर, नुन्नु गोलू कुमार, श्रवण कुमार, भान प्रकाश मौर्य, शंकर मुखिया, लक्ष्मी मेहता, मोहम्मद शाकिर हुसैन, अनवर करीम खान, उमेश ऋषिदेव, मोहम्मद नौशद राजा, रामबरन सहनी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।